हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये लाइनिंग लिया है, लाइनिंग का कपड़ा लिया है 1 मीटर। मैंने इसे डबल कर लिया है। तो ये पहले मैं बैक साइड की कटिंग करूंगी, फिर फ्रंट की। तो इसके लिए मैं मेजरमेंट मेरे पास है, देखिए ये बंद हिस्सा है, ये इधर से खुला है, इधर से डबल किया है मैंने कपड़े को। तीरा लेना है हमने, तीरा जैसे कि 14 है तो हमें ब्लाउज़ का तीरा कम ही लेना होता है, तो मैं 6 ले रही हूँ। ये 6 तीरा हो गया, 6.5 ये हमारा शोल्डर स्लोप है, कंधे का गिराव जिसे कहते हैं, 6.5 लिया है मैंने। अगर कोई हेल्दी है तो आप 7 भी ले सकते हैं, तो ये मैं 7 ले रही हूँ। और छाती है ये 44 है छाती, तो ये 11 11 चौक 44, 1/4 हिस्सा लेते हैं, 11 चौक 44 हो गया, प्लस 2 करना है 13 इंच, 11 8 2 13 हो गए। तो ये मैंने 13 इंच पे एक्स्ट्रा लिया, मैंने 2 इंच, इतना है 11 इंच, मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है। उसके बाद क्या करना है, लेंथ हमने लेनी है 15 हमने, तो 15 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया फोल्ड करने के लिए, तो 16 इंच की लेंथ ली है मैंने। ये निशान लगा लेंगे 16 इंच का, और ये देखिए। इसके बाद यहाँ इसकी गुलाई लेनी है बाजू की। हमारी कमर 36 है, कमर का नाप 36 है, 9 चौक 36, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा और 3 इंच ले रही हूँ मैं, 9 चौक 36 है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। और ये मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, सिलने पे 1/2 इंच तो अंदर चल जाता है सिलाई में, तो मैंने एक्स्ट्रा 3 इंच यहाँ से लिया है नीचे से, ऊपर से 2 इंच लिया है फालतू। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अस्तर पे इसलिए ड्राफ्टिंग कर रही हूँ कि अस्तर की कटिंग करके हम मेन फैब्रिक पे रख के कपड़े का कटिंग कर देंगे, तो इसलिए मैं ये लाइनिंग के ऊपर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। जब इसकी लाइनिंग की कटिंग हो जाएगी तो इसकी कटिंग रख के मेन फैब्रिक पे हम कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। ये देखिए, ये मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है, अब फ्रंट साइड की करनी है। फ्रंट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि आगे हम बटन पट्टी लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये ऐसे फोल्ड कर देंगे हम इसे, छोटा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बटन पट्टी के लिए, ऐसे फोल्ड किए कर दिया है। अब इसके ऊपर रख के मैंने ये कटिंग करनी है। अब ये जो फोल्ड किया था इसे खोल देंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे पीस को। बाकी की ड्राफ्टिंग मैं मेन कपड़े को फिक्स करके बताऊंगी आपको। अगर इस पर ड्राफ्टिंग कर दूंगी तो चलो मैं इसमें बता देती हूँ, उसमें भी बता दूंगी। ये देखिए ड्राफ्टिंग इस पर बता देती हूँ मैं आपको, ये जो यहाँ पर डॉट डलेंगी उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका ये देखिए, इसे फोल्ड करके ही नाप लेंगे ऐसे करके, जैसे ये 6.5 है हमारा, 6 लिया था मैंने तीरा, तो 6 का आधा हो गया 3, नीचे से भी 3 पर निशान लगाएंगे सेंटर में एकदम। अब इस सेंटर को मिला लेंगे ऐसे करके, इस सेंटर को मिला लिया हमने। ये जो हमारा 7 इंच का निशान था हमारा, ये इसको भी यहाँ से
ऐसे मिला लेंगे। अब क्या करना है हमने, जो हमारा ये बाजू का निशान यहाँ से आता है, यहाँ से हम ऐसे करके ये डार्ट का निशान लगाएंगे मेन एकदम सेंटर से, जो हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से लेंगे हम, ये डार्ट लगेगी यहाँ पे, और यहाँ मेन जो यहाँ पर है गले के अकॉर्डिंग नहीं, गला हमारा अगर 6 है, 6 या 6.5, तो उसके नीचे से 1 इंच छोड़ के ऐसे करके ये हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, तो ये हमारी यहाँ से डार्ट बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमने, अब यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से हम 1 इंच का निशान छोड़ते हैं, और ये हमारी एक यहाँ पड़ेगी डार्ट, एक यहाँ पड़ेगी, एक यहाँ, और एक यहाँ से हम लेंगे नीचे से 4 इंच पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 इंच का निशान लगाया हमने, और यहाँ से हमें 1 इंच का निशान, ये देखिए ये 1.5 इंच का निशान है, 1.5 इंच के निशान पे इससे इसकी दूरी 1.5 इंच की होएगी, और फिर इसे हम यहाँ से मिला लेंगे, तो ये हमारी चारों डार्ट्स ये हमने लगा ली है। अब इधर कैसे करेंगे, वैसे तो हम जब लाइनिंग पे लगाते हैं इधर भी छप जाता है, अगर नहीं छपा है तो हम इसको इसके ऊपर रख के ऐसे टैप करेंगे तो नीचे भी छप जाएगा। बहुत ही लाइट कलर आया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें लगा देती हूँ, आप ऐसे टैप करके लगा दीजिए। ये देखिए एक निशान ये आया है, एक ये और एक ये, और ये सेंटर का निशान यहाँ है, तो ये हमारी ये देखिए ये डार्ट हमारी लग गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा अगर इसका लाइनिंग का कपड़ा बचेगा तो हम उसमें अच्छे से जोड़ करके लगा देंगे। अब ये मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे, देखिए बैक साइड का, तो हम अब इसमें नीचे बॉर्डर दे रखा है तो हमें पूरा रखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें 15 इंच लिया, 16 इंच लिया तो 15 ही लेने, 15.5 लेंगे हम, वैसे 16 ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर सिलाई पे भी जाएगा, ब्लाउज तो इन्हें लंबा ही चाहिए था तो ये सिल के 15 हो ही जाएगा। नीचे बॉर्डर दे रखा है, इस हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इसे खोल लेंगे और बैक साइड की कटिंग होगी हमारी। ये देखिए फ्रंट साइड की भी मैंने कटिंग कर ली है मेन कपड़े की। अब मशीन पे चलते हैं, पहले ये स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे हम। 8.5 इंच की चौड़ाई का कपड़ा है ये, तो पहले मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़ा में अलग कर लेती हूँ कट करके। देखिए मैंने अलग कर लिया है स्लीव्स के कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े से। इसकी लेंथ है 8.5 इंच और इसकी जो है विड्थ है 10.5। फिटिंग का निशान लगा लिया मैंने इसमें, 12 है तो 6 फिटिंग का निशान लगा लिया मैंने। अब इसे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, ये फिटिंग का निशान से एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच। अब चलिए मशीन पे चलते हैं, ये स्लीव का कपड़ा हमारा कट के रेडी है तो अब हम इसे सिलेंगे। ये देखिए मैंने पिन से पिन अप कर लिया है मेन फैब्रिक पे, मेन फैब्रिक सीधा रखा है और ये उल्टा, ये देखिए मेन फैब्रिक सीधा रखा है मैंने,
और ये लाइनिंग वाला कपड़ा है जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग करी है, ये सीधा रहेगा। पिन अप कर लिया है मैंने जो, अब इसे हम साइडों से पहले सिल लेंगे। अंडरग्राउंड सिलाई करेंगे हम इसमें। तो गले के मैंने निशान लगाया है, ये मुझे गला थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगी। 7.5 इंच का गला है, मैं इसे 8.5 कर लूँगी, छोटा लग रहा है मुझे गला ये, तो मैंने सोचा लो इसकी गले की लेंथ बढ़ा देते हैं, डीप कर देते हैं थोड़ा गला। तो ये मैंने 8.5 का निशान लगाया है और ये मैंने इसको लेंथ बढ़ा दी थोड़ी सी। अब हम इसे साइड से सिल के ऐसे गोल सिल लेंगे, फिर कट कर लेंगे इसे, सिल के कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने पहले सिलाई लगा ली है, फिर मैंने गोल गले को कट कर लिया है, सब जगह से मैंने सिल दिया है इसे। बस ये बाजू की साइड से ना जहाँ से हम स्लीव जोड़ेंगे वहाँ से ये खुला है, क्योंकि हम इसे यहाँ से सीधा करेंगे। ये देखिए हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, कंधे के साइड से लेकर गले से पूरे में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इससे कपड़ा बैठ जाता है, सेट हो जाता है कपड़ा। तो मैं ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है टॉप स्टिच। ये देखिए कितना सुंदर गला आया है, शेप कितनी अच्छी आई है। ये देखिए बिना किसी पाइपिंग के और बिना किसी पट्टी के। अब ये देखिए ये फ्रंट साइड की मैंने ऐसे सिल के से रेडी कर लिया है दोनों साइडों को। अब हम इसमें डार्ट्स लगाएंगे, दोनों में डार्ट्स के मैंने निशान लगा रखे हैं, तो दोनों में डार्ट्स लगाएंगे। उससे पहले मैं ये फ्रंट साइड की कटिंग कर लूँगी बाजू की। एक इंच की कटिंग है, फुल साइज़ में एक इंच की कटिंग करते हैं, नॉर्मल साइज़ में 1/2 इंच की। ये देखिए शेप बना लिया मैंने। अब हम इसमें डार्ट्स डालेंगे, जैसे निशान लगाया वैसे डार्ट्स डालनी है, 1/2 इंच नीचे से ऊपर जाके एकदम लास्ट में सिलाई ख़त्म कर देनी है। ये देखिए ऐसे नीचे से थोड़ा 1/2 इंच चौड़ाई में, ऊपर से कम। ये देखिए मैंने दो एक ये डार्ट डाल लिया सामने की, ये बाजू की साइड की, ऐसे ही मैं सारों में डार्ट्स लगा लूँगी। ये देखिए डार्ट लगा दी है मैंने बैक साइड पे, दूसरे साइड में भी लगा लेंगे, दोनों तैयार कर लेंगे। और आगे की पट्टी अब हम इसमें लगाएंगे। पट्टी के लिए मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है 2 इंच का, और ये इससे एक्स्ट्रा लिया है पट्टी के नाप से। पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे, जब इसे हम टर्न करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर मैंने 1/2 इंच लिया है वो हम इसके अंदर फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और नीचे से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है। ये देखिए अंदर फोल्ड कर दिया है मैंने, ये भी ऐसे कर दिया फोल्ड। अब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे, तुरपाई करने के बाद इसकी फिनिशिंग आएगी। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसे कट कर दें, नहीं तो रहने दें ऐसे ही। अब ये हम लेफ्ट साइड का पट्टी बनाएंगे, इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ा डबल कपड़ा लिया है। पहले पूरा निशान लगा लिया है जितना हमारे आगे को पट्टी चाहिए,
उससे एक्स्ट्रा हमने आधा इंच ले लिया है, नीचे भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसे डबल करके नीचे से लगाएंगे। ये देखिए ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे, जहाँ सिलाई है उसी के ऊपर फोल्ड करना है, नहीं तो सिलाई दिखेगी। अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे ऊपर तक इस पट्टी पे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए देखिए हमारी आई वाली पट्टी रेडी हो गई है, यहाँ हमें आई लगानी है। इतनी इतनी दूरी पे हम यहाँ हम आई लगाएंगे। अब हम कंधे जोड़ लेंगे और फिनिशिंग, देखिए कंधे जोड़ के सबसे बैक साइड में हमने डार्ट्स नहीं लगाई, इस पर हम डार्ट्स लगा देंगे आधा इंच लेके ऊपर से लास्ट तक बारीक करके ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये लगा ली है मैंने सिलाई, इधर भी लगा लेंगे। अब ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, कंधे भी सिल लिए हैं मैंने और ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्लीव्स जोड़नी है लाइनिंग के साथ। लाइनिंग का कपड़ा सीधी वाली ब्लाउज के पीस पे रखेंगे हम, बाजू सीधी रखेंगे उसके ऊपर ये लाइनिंग लगाएंगे। बाजू कपड़ा जो मेन है वो सीधा रखेंगे और ये लाइनिंग उल्टी रखेंगे और इसके आधा आधा इंच की हम यहाँ पहले मोड़ लेंगे कपड़े को, फिर दोनों साइडों में सिल लेंगे। जैसा मैंने, ये देखिए मैंने सिल लिया है इसे लाइनिंग का कपड़ा, देखिए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम इसमें। ये देखिए मैंने पहले इसे अच्छे से लाइनिंग का कपड़ा दोनों तरफ जोड़ लिया है, सीधा कर लिया, फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। धागा वागा नहीं दिखेगा, अब मैं इसे डबल करके फिटिंग का निशान लगा लेंगे और ब्लाउज पे अटैच कर लेंगे। करके दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। आपका ब्लाउज बन के रेडी है, इसमें हुक लगाएंगे, इसमें आई लगाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।